दो किसान होते थे गांव में, एक जैसा काम करते थे। दोनों मरे, भगवान के पास गए। वहां गए जा करके भगवान ने बोला, हाँ बेटा अब तुम्हें अब क्या बनना है, क्या चाहिए तुम्हें? तो एक किसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड गुस्से में भगवान से बोला कि भगवान क्या घटिया जिंदगी दी थी आपने मुझे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी। देखो मेरी आपने क्या हालत बना दी थी, पूरी जिंदगी बस उस बैल की तरह मैं काम करता रहा करता रहा करता रहा, जो भी पैसा कमाता था वो आता था कोई ना कोई मेरे से लेके चला जाता, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ना किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे पैसा मिले 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 हर तरफ से मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, जा बेटा। दूसरा आया, उसको बोला हाँ भाई तुझे क्या चाहिए? कहता भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपसे क्या मांगू, मेरे को एक अच्छा परिवार दिया था, अच्छा खासा मेरे को काम दिया था, अच्छा गांव था, खाने की कभी कोई कमी नहीं हुई, कभी मैं भूखा नहीं सोया, बस एक ही कमी रह गई मेरी जिंदगी में, मेरे दरवाजे पे ना कई बार कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए, बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ भाई। दोनों का जन्म हुआ उसी गांव में, दोनों बड़े हुए। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे बस मिले 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 और मुझे किसी को देना ना पड़े, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। देना ना पड़े बस मिले 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 मिले। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बस कोई भूखा ना रहे, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी।